ये देखो व्हाइट कलर का आती है एक ब्लैक कलर का आती है, है, है अपना बहुत सारा स्कोप है नमस्कार दोस्तों हमने चाइना में आया दोस्तों अभी चाइना का एक यहाँ का, का दो, देखिए दोस्तों इसका जो एटमोस्फियर आप देखिए दोस्तों ये जगह इतना खूबसूरत बनाए लोग और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको मतलब हर जगह ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ मिल जाती है हमने यहाँ आया दोस्तों पी ओ एस मैनुफैक्चर को ढूंढे यानी प्रिंटर्स हार्डवेयर स्कैनर्स इसका पी ओ एस मशीन टच स्क्रीन मोनीटर्स ये कहाँ मैनुफेक्चरिंग होती है इसका प्राइस क्या होती है और लोगों को हर कॉर्नर के लोग आकर के यहाँ से माल ले लेती है और यहाँ से उनका ब्रांडिंग लगा करके हर कॉर्नर में बेचती है हर दुनिया में तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ये पता चलेंगे दोस्तों एक्चुअल प्राइस क्या है चाइना में ये सब प्रोडक्ट्स का नमस्कार दोस्तों हमने एक पी ओ एस फैक्ट्री में आया दोस्तों इन चाइना तो ये जो चाइना में ये जो पी ओ एस डिवाइस होती है जिस तरीके से आपका जो हार्डवेयर्स होती है तो हमें जो इंडिया में जो हार्डवेयर्स आती है बहुत महंगा आती है रिसेंट क्या है इसका शिपिंग कॉस्ट वग़ैरह बहुत ज़्यादा आती है और इसका जो कस्टम्स ड्यूटी वगैरह है तो लेकिन मैंने आज के ये वीडियो में आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली चाइना में क्या प्राइस होती है ये सब चीज़ को और ये बहुत सारे मॉडल्स है ये एक्चुअली इसमें कोई ब्रांड नहीं होता दोस्तों ये जितना भी कंपनी अपना जो ब्रांड बनाता है यहाँ से जो माल ले जाती है और अपना जो लोगो चिपका देती है बस और कुछ नहीं करता और इंडिया में मोस्टली नाइन्टी नाइन परसेंटेज या हंड्रेड परसेंटेज समझ लीजिए आपने जितना भी प्रोडक्ट आती है वो यहाँ से लेके जाती है और अपना ब्रांड चिपका देती है है ना तो ये एक्चुअली एक फैक्ट्री है इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इसके पीछे है जो असेंबली और प्रोडक्शन वगैरह जो लाइन होती है तो मैंने इसका प्राइस थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ मैंने इसका देखो ये जो मॉडल दो आपको दिखाई देती है ये जो मॉडल ये जो मॉडल इसका प्राइस है थ्री हंड्रेड डॉलरस थ्री हंड्रेड डॉलर्स ये देखिए तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता है हंड्रेड डॉलर को करीब आठ सौ आठ हज़ार रुपये आती है एट थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज़ आप गूगल में ट्रांसलेट करके देखिए तो थ्री हंड्रेड डॉलर मतलब ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज़ में आपको ये हाँ इसका प्राइस आती है ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज़ इसमें देखो इतना बड़ा रियर डिस्प्ले भी है नाइन इंच नाइन इंच और टन इंच आई थिंक डिस्प्ले आती है नाइन इंच और इसका ये जो है ना फिफ्टीन पॉइंट फाइव इंच और सेल प्रोसेसर के साथ आ, मिल जाती है और ये लोग कस्टम बोलने से दस रुपया दस डॉलर का फ़र्क है दोस्तों सिर्फ आपको इंडेल का प्रोसेसर डाल के देंगे वो लोग है ना तो ये आपको इस तरीके से देखो रियल डिस्प्ले आ, आ, मिल जाती है थ्री हंड्रेड डॉलर में ये सब मिला के दोस्तों ये प्राइस ये देखो मेटल बॉडी है ठीक है जी ये चाइना का प्राइस है इंडिया का प्राइस नहीं चाइना का प्राइस है ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज़ और ये तीनों एक ही मॉडल है ये मैंने तीनों क्यों लाया हुआ है इसका जो पीछे का जो स्टैंड होती है ना ये अलग स्टाइल का होती है ये मेटल का होती है ये मतलब कॉन्फिग्रेशन सब सेम है न, लेकिन इसका जो स्टैंड का जो फर्क होती है इसका प्राइस मैं आपको दिलवा देता हूँ इसका प्राइस है दोस्तों वन हंड्रेड एंड यानी आ, आप समझ सकता है वन हंड्रेड एंड एटी बोले तो लाइक चौदह हज़ार पंद्रह हज़ार रुपये में आपको ये मॉडल मिल जाती है ना चौदह हजार आस पास वन हंड्रेड एंड एटी आपने एटी का हिसाब से कैलकुलेट करके कर देखिए वन हंड्रेड एंड एटी डॉलर से यानी वन एटी यू एस डॉलर है तीनों का प्राइस इसमें देखो इधर कस्टमर डिस्प्ले आती है इन बिल्ट कस्टमर डिस्प्ले है वी एफ डी वी एफ डी कहता है इसको ये देखो अंदर रखा हुआ है यानी कस्टमर को दिखाई देती है क्या चल रहा है तो मॉडल नंबर थ्री आपको मैंने दिखा दे रहा हूँ मॉडल नंबर थ्री ये भी है देखो ये दोनों सेम मॉडल है दोस्तों है ना इसमें किसी में भी आपको कोई ब्रांडिंग नहीं दिखाई देती है ब्रांडिंग आप मतलब चिपका सकता है आपका खुद का ब्रांडिंग ये देखो वाइट कलर का आती है एक ब्लैक कलर का आती है ये जो है नंबर थ्री ये करीब करीब नहीं एक्सैक्टली थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव डॉलर आती है इसको प्राइस थ्री हंड्रेड एंड फोटी फाइव डॉलर इसका ये यहाँ पर भी डिस्प्ले है और ये मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है ये दिस इज़ फिफ्टीन इंच दिस इज़ ट्व इंच थ्री हंड्रेड एंड फोटी फाइव रुपीज़ में आपको आती है दोस्तों ये सेलड्रोन प्रोसेसर है इसका जो राम आती है फोर जी बी का राम और इसमें जितना भी मिशीस होती है ना मोस्टली सिक्सटी फोर जी बी का हार्ड डिस्क होती है एस एस डी क्योंकि इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होती है और ये दोनों मॉडल आप देखिए है ना दिस प्राइस इज़ ओनली थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव रुपीज़ ये जो मॉडल है आपको दिखा देती है देखो ये वाला मॉडल इसको टोटल मिला करके टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डॉलर का दोस्तों ये टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डॉलर इसका मेटल बॉडी है इधर देखो वी ए वी, 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 वी एफ डी कहता है इसके लोग कस्टमर डिस्प्ले के लिए ये जो बाहर रखा हुआ है यानी ये जो आ, हम हमारा जो कैलकुलेटर स्टाइल में आती है और ये जो फिफ्टीन पॉइंट फाइव इंच का जो डिस्प्ले होती है और प्रोसेसर और इसका जो फोर जी बी रैम एस एस डी सिक्सटी फोर जी बी जे वन नाइन डबल जितना भी मोस्टली आते हैं सेलरोन का प्रोसेसर आती है जे वन नाइन डबल ठीक है जी ये दोनों ये डिफरेंट मॉडल है एक विदाउट कस्टमर डिस्प्ले दिस वन टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव डॉलर्स ये जो आती है ये आपको जे वन नाइन डबल और एस एस डी सिक्सटी फोर यानी फोर जी बी का जो रैम आती है इसको ये भी मतलब कस्टमर डिस्प्ले नहीं है काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है फिफ्टीन पॉइंट फाइव इंच डिस्प्ले के साथ आती है और ये देखो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा साइज इसका है ये देखिए ये जितना बड़ा अपना जो कैशियर का जो मॉनिटर होती है उतना ही बड़ा उसका जो कस्टमर का डिस्प्ले भी होती है ये नंबर सिक्स में आती है ना ये जो है नस्टमर डिस्प्ले टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव थर्टी डॉलर है और ये जो डिस्प्ले के लिए मात्र सेवेंटी फाइव डॉलर है है ना तो आपको करीब करीब टू तो हंड्रेड एंड थर्टी फाइव टू हंड्रेड एंड थर्टी प्लस सेवेंटी फाइव यानी तीन सौ डॉलर तीन सौ पाँच डॉलर थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड फाइव में आपको ये वाला आ जाती है दोस्तों ये टोटल मिला करके यानी दिखने के लिए भी बहुत अच्छा है और चलाने के लिए भी बहुत बढ़िया है इतना ही प्राइस है दोस्तों और अगर आपने इस तरीके से पी ओ एस का बिज़नेस वगैरह चलाना चाहते हो तो आपको ये लेकर के आपका यानी बिजनेस चला सकता है और आपके ब्रांडिंग लगा सकता है है ना इस तरीके से तो बहुत सारा स्कोप है और यहाँ से ये देखिए दोस्तों ये जो कस्टमर लिस्ट पे आप देखिए ये बहुत सी प्राइस में आती है दोस्तों यहाँ ये इंडिया में ही बहुत सस्ता है तो यहाँ इतना बड़ा सस्ता हो जाएंगे एक ये कस्टमर डिस्प्ले इसका प्राइस ये लोग मेरे को दिया नहीं है अभी तक वो देगा करके बोला वन टू थ्री तो ये प्राइस अगर मिल गया तो मैं इसको अपडेट करवा लेता हूँ तो ये वीडियो के सामने वो लोग लेने के लिए गया हुआ है और मैंने एक एक चीज़ और ये देखा है ये देखो ये जो है एक पी ओ एस मशीन है दोस्तों बहुत छोटा साइज इसका इसके स्टैंड भी लोग देंगे इधर देखो बिठाने के लिए स्टैंड होती है तो ये बहुत ये डिस्प्ले है एक्चुअली ये मैं थोड़ा तो सा खोल देता हूँ देखिए है ना ये छोटा साइज का पी ओ एस मशीन है इसके पीछे कंप्यूटर पे रखा हुआ है देखिए सारे यू कनेक्शन वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देती है देखिए सारा सब कुछ ये पावर सप्लाई का है ये एच केबल और है ना ये लैंड केबल वगैरह सब कुछ एक कंप्यूटर एक्चुअली ये बहुत सस्ता प्राइस में आ जाती है यानी छोटा सा बिजनेस से आपको बहुत छोटा कम जगह है कम बजट में आपको ये मशीन चाहिए होती है तो इन लोगों के देखो कई सारे मॉडल से ये एक्चुअली क्या ना जितना भी चाइनीज कंपनीज होती है लोग मैन्युफैक्चर करता है ये एक्चुअली हमने जैसा 200 300 पीस का ऑर्डर देती है ना ये लोग प्रोडक्शन करके देती है इसका अंदर देखो इस तरीके से दिखता है देखिए ये ना इसका अंदर ना? ये प्रोडक्शन तो आपको अपना जो लोगो लगाना चाहते हो तो वो आप देखिए कई सारे कंपनी से ना यहाँ से लोगो बिठा के जाती है ये आपको ये कई सारे फॉरेन ब्रांड्स होती है दोस्तों ये देखो लेजेंड है तो ना आप अपना जो लोगो उसको दे दीजिए वो अपना चिपका के मिल जाएंगे ये देखिए ये लोगो किस तरीके से आती है बहुत सारे डिजाइन का आती है आई बेस समथिंग लाइक दैट और ई सी समथिंग लाइक दैट सो मैनी मॉडल्स आर देयर सो मैनी सो इफ़ यू तो आपको जो मतलब नाम ब्रांडिंग नहीं आपको ब्रांडिंग करना चाहते हो तो मोस्टली क्या होते ना नाइनटी नाइन या हंड्रेड परसेंटेज समझ लीजिए आपको जितना भी लोग इस तरीके से जो प्रोडक्ट सेल करते हैं मतलब इंडिया में और अब्रोड वग़ैरह सब कुछ यहाँ से यानी चाइना से लेके जाती है और अपना ब्रांडिंग लगा के भेज देती है और उसमें एक सच्चाई बात मैं आपको बताता हूँ ये लोग इसका जो मदरबोर्ड वगैरह नहीं बनाते मैं मदरबोर्ड वगैरह एक ही कंपनी बना लेते हैं तो वहाँ से बहुत सारे कंपनीस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका जो स्पेयर पार्ट्स बहुत सारे कंपनीज इसको लेके असेंबल करती है तो असेंबल तो करने वाले कंपनी इस तरीके से कंपनी अलग होती है और उसका हर एक बॉडी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बॉडी मैनुफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी अलग होती है फॉर एग्जाम्पल इसका जो डिस्प्ले मैनुफेक्चरिंग करते हैं वो कंपनी अलग होती है एक ही कंपनी सब कुछ नहीं बनाता है तो ये सब कुछ क्या करते हैं स्पेयर पार्ट्स लेकर के असेंबली करती है है ना इस तरीके से और कभी कभी कोई कोई कंपनी जो इसका जो बॉडी है ना स्टैंड वगैरह जो होती है कस्टम बना लेते हैं तो उसके अलावा कुछ नहीं है बाकी सब कुछ इस तरीके से बना लेते हैं दोस्तों है ना और ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह जो भी होती है ये जो जितना भी आ, आ, मतलब बॉडी वगैरह होती है ये भी आ, मतलब आ, मोल्ड जो है ये लोग कस्टम कभी कभी बनाता है लेकिन मोस्ट केसेस कस्टम नहीं बनाते क्योंकि बहुत बजट महंगा जाती है इसी की वजह से तो इसका हर एक बहुत सारा डिजाइन वेरिएंट्स चाइनीज में अवेलेबल है दोस्तों तो आपको जो भी चाहिए यहाँ सस्ता प्राइस में मिल जाती है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको कोई हेल्प चाहिए सपोर्ट चाहिए रिलेटेड टू पी ओ एस यू कैन कॉल अस इन दिस नंबर वी कैन हेल्प यू आस मच वी कैन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू बाय